हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम इस चैप्टर का सिक्स्थ पार्ट करने जा रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट रेंसिडिटी। हमारा आज का टॉपिक है रेंसिडिटी। ये क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड टू स्पॉयल इट्स स्मेल एंड टेस्ट एंड मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट मीन्स फूड के अंदर के फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडाइज हो जाना, जिसके कारण कि फूड की स्मेल और टेस्ट बदल जाना और हमारे खाने के लिए ये जो फूड है ये सुटेबल ना रहना, फूड खराब हो जाना, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। सो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो फूड का खराब होना इज नोन एज रेंसिडिटी। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को? फर्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। तो जितने भी हमें पैक्ड फूड आइटम्स बाजार में मिलती हैं, जैसे कुकीज हो गई या बिस्किट्स हो गए या चिप्स हो गई या और कई तरह की चीजें हैं जो हम बाजार से रेडी टू ईट जो है वो खरीदते हैं, उन सबको बनाते टाइम उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से क्या हो जाता है भी, इन फूड आइटम की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। एक चीज आप ध्यान में रखना कि इन फूड पैकेट्स के ऊपर ना एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो ये एक्सपायरी डेट है जिससे पहले पहले हमने फूड को कंज्यूम करना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। लेकिन पैकिंग इंटैक्ट अगर हो तभी वो एक्सपायरी डेट तक चलेगा। नेक्स्ट मेथड इज एयर टाइट पैकिंग या वैक्यूम पैकिंग। देखो, हमने अभी डिस्कस किया है कि फूड की ऑक्सीडेशन हो, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, तभी खराब होगा ना। तो अगर हम एयर टाइट पैकिंग करते हैं कि हवा अंदर जा ही ना सके, ना होगी ऑक्सीजन ना होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो फूड की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो, हमें इस पिक में कितनी सारी फूड आइटम्स जो है ना वो दिखाई दे रही है जिनको वैक्यूम पैक किया हुआ है। तो एज कम्पेयर टू द फ्रेश फूड, ऑब्वियसली इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा होगी ही होगी। इसी तरह से वैक्यूम पैकिंग जो है ना वो हम और भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। जैसे आप बाजार से अगर कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो तो या तो आपको बॉटल में मिलेगी, है ना, या फिर ऐसे आप टिन पैकिंग में लेके आते हो। बॉटल में देखो, जो यहाँ ऊपर ढक्कन लगा होता है इन बॉटल के ऊपर, ये प्रॉपरली सील्ड होता है, सो दैट कि जो यहाँ पर एरेटेड ड्रिंक्स है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अंदर ही रहे, अंदर वाली चीज बाहर ना जा सके और बाहर की जो एयर है वो अंदर ना जा सके। इसी तरह से टिन्ड पैकिंग है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की, उसमें भी क्या है, बिल्कुल एयर टाइट जो है, यानी कि सीलिंग होती है पूरी, एयर टाइट पैकिंग होती है इसकी भी। इसी तरह से और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जो हमें इस तरह से एयर टाइट कंटेनर्स में मिलती है, जस्ट टू अवॉइड रेंसिडिटी। अच्छा, टेट्रा पैक्स में आप बड़ी सारी चीजें जो है ना वो पीते हो, लस्सी हो गई, दूध हो गया, कोई फ्रूट जूसेस हो गए, ये भी प्रॉपरली जो है वो वैक्यूम पैक्ड होते हैं, यहाँ पर एक सील लगी होती है, तो जब आपने टेट्रा पैक को पीना है तभी आप इसकी जो है ना सील उसको निकालते हो और ये स्ट्रॉ डाल के पीते हो। जब तक यहाँ पर सील लगी हुई है तब तक इसके अंदर एयर नहीं एंटर कर सकती, तो ये खराब नहीं होगा। हाँ, अगर आपने यहाँ से सील जो है वो ब्रेक कर दी है, फिर इसको अगर आप 2-4 दिन पड़ा रहने दोगे तो ये खराब हो जाएगा। एक और मेथड है फ्लशिंग पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस। आजकल हम बहुत तरह की जो फास्ट फूड आइटम्स है ना वो पैकेट्स में खरीद के लेके आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि ये जो पैकेट्स होते हैं जब आप इनको खरीदते हो तो ये इतने फुल्ले फुल्ले से क्यों होते हैं? क्या इनके अंदर हवा भरी होती है? नहीं, हवा अगर भरी होगी तो उसकी ऑक्सीजन तो इनको ऑक्सीडाइज कर देगी, फूड तो खराब हो जाएगा। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। सो अंदर हवा जो थी वो निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी। अब उसके कारण क्या है कि इस फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली इसकी जो है शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाएगी। और ये जो फुल्ले फुल्ले से पैकेट होते हैं, ये जो फ्लावट है, ये भी हेल्प करती है कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो अंदर सामान है वो ज्यादा टूटे फूटे ना, क्रश ना हो। तो हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि रेंसिडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड टू स्पॉयल इट्स स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि स्मेल भी और टेस्ट भी दोनों फूड के खराब हो जाए, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी।
प्रिवेंटिव मेजर्स कौन सी हमने पढ़ी है, फटाफट से सम अप करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स या वैक्यूम पैक करना, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, फ्लशिंग चिप्स पैकेट्स एंड अदर फूड पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। दैट इज ऑल अबाउट रेजिडिटी एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।